हेलो गाइस कैसे हैं सब लोग तो आज हम पढ़ेंगे डिस्टिक्शन टेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रखना ये जो डिस्टिंक्शन टेस्ट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और जितने भी टेस्ट हैं ये एग्ज़ाम डेफिनेटली एग्ज़ाम्स में आते हैं सीबीएसई हो जेई हो नीट हो तो हर एक एग्जाम में आते हैं तो हम इसको भी शुरू करते हैं सबसे पहले टेस्ट को बोलते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट इसमें हम हैलाइड आयन की डिटेक्शन करते हैं अगर हमें एल्काइल क्लोराइड दिया हुआ है तो एल्काइल क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ बनाता है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड का बनता है कलर वाइट प्रेसिपिटेट ये बनाता है ठीक है अब ये जो सिल्वर क्लोराइड है अगर हम इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व करें या लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करें तो ये जो वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड है ये डिजोल्व हो जाते हैं अब हम दूसरी की बात करते हैं अगर हमने लिया है एल्काइल ब्रोमाइड एल्काइल ब्रोमाइड को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट में डिज़ोल्व करते हैं हमें मिलता है सिल्वर ब्रोमाइड जिसका कलर होता है पेल येलो कलर ओके तो हमें पेल येलो पीपीटी मिलता है और जब ये पीपीटी हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड या लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व करते हैं तो ये पार्शली डिजोल्व होते हैं उसके बाद अगर हमारे पास एल्काइल आयोडाइड है तो ये देता है सिल्वर आयोडाइड जिसके पीपीटी होते हैं येलो पीपीटी और अगर हम इसे डिजोल्व करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड या लिक्विड अमोनिया में तो जो हमारे पीपीटी मिलते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं तो इस टेस्ट को बोलते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट अब हम बात करते हैं अगले टेस्ट की अगला टेस्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल इसमें हम यूज करते हैं लुकास रिएजेंट ओके तो इसे लुकास रिएजेंट टेस्ट भी कहते हैं लुकास रिएजेंट क्या होता है एच सी एल एंड एनहाइड्रस हाइड्रसड एंड सी एल टू तो एल्कोहल के साथ ये रिएक्ट करके हमें मिलता है एल्काइल क्लोराइड प्लस एचटोइ फॉर्म अब इस टेस्ट की इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि जब भी हम लूकास रिएजेंट को प्राइमरी एल्कोहल के साथ क्या करते हैं ट्रीट करते हैं तो जो टर्बिडिटी है वो हमें मिलती है सिर्फ हीटिंग करने पे तो इमीडिएटली हमें दिखती नहीं है जो सोल्यूशन है वो टर्बिड होता है जब हम क्या करते हैं उसे हीट करते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर में हमें टर्बिडिटी नहीं मिलेगी अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं तो याद रखना टर्बिडिटी हमें पाँच मिनट में पाँच से दस मिनट के बीच में मिल जाती है और अगर हम इसे टर्शरी अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें स्पॉन्टेनियस मतलब उसी टाइम पे आपको टर्बिडिटी मिल जाती है ठीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ द टर्बिडिटी याद रखना टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी तो टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है सबसे पहले टर्बिडिटी शो करता है फिर सेकेंडरी देन प्राइमरी तो इसे बोलते हैं हम लूकास रिएजेंट टेस्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की इस टेस्ट को बोलते हैं विक्टर मेयर्स टेस्ट इसमें हम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं हम इसे रिएक्ट करते हैं एल्कोहल को फॉस्फोरस एंड आयोडीन के साथ ठीक है हमें मिलता है अल्काइल आयोडाइड इसे हम सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करते हैं और जो ये कंपाउंड बनता है उसे हम रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ ओके नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करने पे हमें मिलता है नाइट्रोलिक एसिड ओके याद रखना हमें क्या मिलता है नाइट्रोलिक एसिड मिलता है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड एन ओ एच और जब हम इसे के एच के साथ रिएक्ट करते हैं हमें मिलता है ब्लड रेड कलर अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं इसमें हम सेकेंडरी हमने लिया है एल्कोहल फॉस्फोरस आयोडीन के साथ ठीक है इसमें भी एल्काइल आयोडाइड बनता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं फिर हम इसे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और यहां पे जो हमें कंपाउंड मिलता है उसे बोलते हैं pseudonitrol. Pseudonitrol हम सूडो नाइट्रॉल और सूडोनाइट्रोल को जब हम के के साथ ट्रीट करते हैं हमें मिलता है ब्लू कलर ठीक है सिमिलरली अगर हमने टर्स एल्कोल लिया उसे हम रिएक्ट करते हैं फॉसफोरस और आयोडीन के साथ हमारा बनता है अलकाइल आयोडाइड फिर हम उसे सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं फिर हम नाइट्रस एसिड नाइट्रस एसिड के साथ याद रखना कोई रिएक्शन होती नहीं है और के एच में जब हम इस कंपाउंड को क्या करें डिजोल्व करें तो ये आता है हमारा कलरलेस तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर प्राइमरी देता है ब्लड रेड कलर सेकेंडरी देता है ब्लू कलर और टर्शियल अल्कोहल देता है कलर अब हम नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसे बोलते हैं हम आइडोफॉर्म टेस्ट द आइडोफॉर्म टेस्ट इज यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद द स्ट्रक्चर ऑफ आर सी ओ सी एच थ्री तो कार्बोनाइल कंपाउंड हम ऐसे देखेंगे जिसमें हमें क्या चाहिए आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री अगर कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड में आपको सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ दिखे तो वो देता है आइडोफॉर्म टेस्ट ठीक है यहां तो आपको एल्कोहल चाहिए विद द स्ट्रक्चर आर सी एच ओ एच सी एच थ्री अगर आपको स्ट्रक्चर दिखता है आर सी एच थ्री सी एच ओ एच तो ये कंपाउंड भी क्या देता है आइडोफॉर्म टेस्ट देता है अब आइडोफॉर्म टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है कि आइडोफॉर्म टेस्ट में आप यूज करते हो एन एच प्लस आई टू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन आप यूज करते हो कभी कभी ये हमें दिया होता है एन ए ओ आई की फॉर्म में ओके okay? तो याद रखना ये देता है सॉल्ट ऑफ एन एसिड जब ये रिएक्शन होती है और साथ में मिलता है सी एच आई थ्री इस कंपाउंड को बोलते हैं सी एच आई थ्री को हम बोलते हैं आइडोफॉर्म और आइडम फॉर्म का जो प्रेसिपिटेट होता है वो होता है येलो प्रेसिपिटेट, है? तो येलो प्रेसिपिटेट से हम इन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सबसे पहला है सिल्वर मिरर टेस्ट अगर आपने एक एल लिया है और आपने एलडी को रिएक्ट किया है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ ठीक है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ उसका जो एल है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है साथ में आपको मिलता है सिल्वर तो इसे, तो इसे कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टार्टरेट तो याद रखना ये जो एल है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में आपको रेड प्रेसिपिटेट मिलते हैं सी यू टू ओ के ठीक है और ये जो टेस्ट है याद रखना ये जो टेस्ट है ये देते हैं हमारे एलडी तो अगर सिल्वर मिरर जो एल जो, जो कीटोन है वो ये रिएक्शन शो नहीं करते ना तो सिल्वर मिरर टेस्ट शो करते हैं ना तो ये फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन शो करते हैं अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टेस्ट की डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस इस टेस्ट को हम कार्बल अमाइन टेस्ट भी कहते हैं सपोज आपने इथाइल अमाइन लिया है सी एच सी एल थ्री क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक के, के साथ आपने इसे रिएक्ट किया तो आपको मिलेगा इथाइल आइसोसैनाइड प्लस के सी एल एन एस टू ओ ये जो इथाइल आइसोसाइनाइड है आइसोसैनाइड को हम कार्बल अमाइन भी कहते हैं तो इस टेस्ट का नाम है कार्बल अमाइन टेस्ट और याद रखना जब भी आइसोसेनाइड बनता है तो पंजेंट स्मेल जो है वो प्रोड्यूस होती है तो आप स्मेल से इसे डिटेक्ट कर सकते हैं अब ये कौन कौन से कंपाउंड ये टेस्ट दे सकते हैं दिस रिएक्शन इज गिवन बाय द प्राइमरी एलिफेटिक एंड प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस तो याद रखना प्राइमरी एरोमेटिक और प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस ये रिएक्शन देते हैं ठीक है तो कार्बल अमाइन टेस्ट की बात करेंगे प्राइमरी एलिफेटिक या प्राइमरी एरोमेटिक जो अमाइंस है वो क्या करते हैं आइसोसनाइट बनाते हैं आइसोसैनाइड से क्या पंजट स्मेल प्रोड्यूस होती थी है ठीक है तो पंजट स्मेल से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि प्राइमरी एलिफेटिक या प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है और सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं ठीक है तो इससे हम प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी और टर्शरी के बीच में से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सेकेंडरी और टर्शरी के बीच में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इस टेस्ट से तो जो नेक्स्ट टेस्ट है वो तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी इसे हम हाइन्सबर्ग टेस्ट भी कहते हैं और इसमें हम जो रिएजन यूज करते हैं उसे हाइन्सबर्ग रिएजन भी कहते हैं उसे बोलते हैं हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड सी सिक्स एच फाइव एसओ टू सी एल तो ये सिंपल सा रिएक्शन है आप क्या करोगे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन को बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे ठीक है जिसे हम हाइंसबर्ग रिएजन भी कहते हैं तो पहले जो प्राइमरी अमाइन है जो उसका प्रोडक्ट बनेगा वो जो प्रोडक्ट है वो अल्कली में सॉल्युबल होगा वो डिजोल्व हो जाएगा जो सेकेंडरी अमाइन है उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा और जो टर्शरी अमाइन है वो हाइंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करती तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की डिस्टिंक्शन बिटवीन एलिफेटिक अमाइंस एंड प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस ठीक है अब हम एलिफेटिक अमाइंस और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जैसे हम एनेलिन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाकी अमाइन से तो इस टेस्ट को बोलते हैं एजो टेस्ट हमने क्या लिया प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लेंगे और उसे हम क्या बनाएंगे उसका हम बनाएंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और उसे रिएक्ट कैसे करेंगे एच टू तो अगर हमारे पास एनेलिन है अगर उसे हम एच टू के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ठीक है अगर आपने एच लिया हुआ है तो क्लोराइड बनेगा और जब हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करें फिनॉल के साथ ठीक है तो याद रखना फिनोल के साथ जब भी हम इसे रिएक्ट करेंगे हमारा बनेगा एजो डाई ठीक है तो एजो डाई बनेगा और एजो डाई का कलर क्या होता है ऑरेंज कलर होता है तो ये जो टेस्ट है ये का डिटेक्शन का भी टेस्ट हम इसे यूज कर सकते हैं ठीक है तो याद रखना प्राइमरी अमाइन को आपको पहले बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना है उसके बाद आप उसे कपल करोगे फिनॉल के साथ और उसके साथ ये ऑरेंज कलर देगा एलिफेटिक अमाइंस डज नॉट गिव दिस टेस्ट तो ये वाला टेस्ट नहीं देते हैं एलिफेटिक अमाइंस अब हम बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन द फिनोल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो पर्टिकुलर टेस्ट हैं ये फिनॉल्स या सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही देते हैं सबसे पहले एन सोडियम बायकार्बोनेट से तो याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड ही ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सी ओ टू क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं ठीक है तो इसको बोलते हैं ब्रिस्क एफर ऑफ सी ओ टू जब एन ए एच सी ओ थ्री को कार्बोक्सिलिक एसिड से हम रिएक्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूट्रक न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन ठीक है जो फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन है वो फिनॉल के साथ देता है वॉयलेट कलर ठीक है तो ये टेस्ट सिर्फ फिनॉल के साथ देता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता अगर हम जिंक डस्ट की बात करें फिनॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड जिंक डस्ट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है अगर हम बात करें सोडा लाइम की फिनॉल जो है वो कोई रिएक्शन शो नहीं करता वेरस कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या बनाते हैं हाइड्रोकार्बन को फॉर्म करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं फिनॉल की अगर फिनॉल को हम रिएक्ट करें जो हमने अभी रिएक्शन पढ़ी थी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ तो हमें मिलता है एजो डाई और एजो डाई का कलर क्या होता है ऑरेंज ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रस एसिड टेस्ट इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइन टर्सरी एलिफेटिक अमाइन और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन में हम क्या करेंगे इन कंपाउंड्स को रिएक्ट करेंगे नाइट्रस एसिड एच एन ओ टू के साथ एच एन ओ टू के साथ याद रखना प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन करती है तो आपको नाइट्रोजन के बबल्स दिखाई देंगे आपको सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइन में येलो ऑयल ऑफ नाइट्रोसोमाइन आपको येलो ऑयल कलर दिखाई देगा येलो कलर

तो सैरिक अमोनियम नाइट्रेट कभी भी आपको दिखाई दे तो ये अल्कोहल के साथ रेड करके ये दो कलर के कंपाउंड दे सकते हैं एक दे सकते हैं पिंक और रेड कलर कॉम्प्लेक्स ठीक है तो पिंक और रेड कलर कॉम्प्लेक्स जो है वो मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप तो अगर एल्कोहल प्रेजेंट है तभी आपको रेड एंड पिंक कलर कॉम्प्लेक्स मिलेगा अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टेस्ट की ये जो टेस्ट है ये शो करते हैं टर्मिनल एल्काइंस टर्मिनल एल्काइंस कौन टर से एल्काइंस होते हैं जिसके लास्ट कार्बन में क्या होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए ठीक है अब इसमें क्या होता है सबसे पहले हमारा क्यूपरस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो इसमें क्या होता है याद रखना है ये जो इसका हाइड्रोजन होता है टर्मिनल एल्काइंस का एसिडिक होता है ये रिमूव हो जाएगा और यहां पे कॉपर अटैच हो जाएगा और ये जो कंपाउंड है इसका जो प्रेसिपिटेट होता है वो होता है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ठीक है नेक्स्ट हम इसे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट करके क्या होगा ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा इसकी जगह सिल्वर अटैच हो जाएगा ठीक है ये हमें कंपाउंड मिलेगा सिल्वर ओके जिसका क्या होगा वाइट प्रेसिपिटेट होगा ठीक है तो इसका वाइट प्रेसिपिटेट डिटेक्ट करेगा हेल्प करेगा डिटेक्शन ऑफ है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आई होप आपको इनके जितने भी डिटेक्शन टेस्ट हैं सब समझ आए हो मैंने इसका पी भी साथ में अटैच किया हुआ है तो आप मेरे बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हो आप लाइक कर सकते हो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है ठीक है चलो सी यू एवरी वन बाय